मैं देख रहा हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को अच्छे ढंग से समझ लिया है? हाँ, समझ में तो आ रहा है सर, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आपके विचारों को देखते हुए। तो मैं आपके शब्दों में समझना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन क्या है और कैसे ये अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, ये देश का भला करेगा कि नहीं करेगा और कैसे करेगा। आपने कहाँ तक समझा उससे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर पाऊंगा तो शायद आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। अब मैं सर आपके बराबर विद्वान तो खैर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो स्थिति है तो सभी लोग जरा थोड़े नेताओं से असंतुष्ट हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और पिछले जो 2-2.5 वर्षों में हुआ है तो उसके हिसाब से भी कई स्तर के संगठन हैं जो इन चीजों का विरोध कर रहे हैं कि ये राजनीतिक जो है कुछ नहीं करती हैं, और यहाँ पे जनता का सहयोग देना चाहिए, वहाँ कुछ करती नहीं है। तो आप ठीक कह रहे अब हैं। हाँ, जी, तो पिछले 2-2.5 साल से मैं भी इस तरह के कई वीडियो देख रहा था, तो जी इसी संबंध में मुझे मेरा परिचय आपसे भी हुआ। आपको मालूम है कि जब अशोकनगर और गुना संयुक्त जिले थे उस समय मैं 3 साल गुना जिले का एसपी रहा हूं। जी, हाँ, मैंने नाम सुना था ना, अच्छा, ओके। सुना सुना था मैंने आपका नाम। और यहाँ पे भी आपके विचार में अशोकनगर के पुलिस कंट्रोल रूम को भी सेंड करता हूँ, अच्छा, क्योंकि उसमें आपका एड्रेस भी लिखा रहता है, तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि किसी को कोई आपत्ति हो। हाँ। तो आपके कुछ मैसेज मैं पुलिस कंट्रोल रूम अशोकनगर को भी मैंने सेंड किए हैं। उससे कुछ फायदा होगा क्या? अब ये तो सर समझने वालों के ऊपर है, क्योंकि बहुत से लोग तो इस तरह के होते हैं कि उनको इन चीजों से मतलब ही नहीं रहता, और कम लोग होते हैं जो इन चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी पार्टी की भक्ति में मस्त रहते हैं। और जैसा कि पिछले 2-2.5 सालों में हमने यही देखा है कि कुछ विद्वान लोग यही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां तो सब एक सी होती हैं, क्योंकि जो लोग पिछले 2-2.5 सालों से परेशान हो रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर चीख रहे हैं, बता रहे हैं कि जनता समझ नहीं पा रही है कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, वो लोग जगा भी रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे आप भी ऐसे प्रतीत हुए कि मतलब आप भी लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण मुझे नहीं, मैं आपसे भी लोगों शंका। को जगा नहीं रहा हूं। मैं जगाने जी के साथ साथ उन्हें एक ऐसा मॉडल दे रहा हूं जिसके जी तहत हम इन राजनेताओं को बिना खर्च किए पराजित कर पाएंगे, हाँ, वो तो मैंने क्योंकि आप ये दुष्ट हाँ राजनेता इतने ज़्यादा धनी और इनके पास बाहुबल है, इनके पास माफिया हैं, इनके पास दल बदलू लोग हैं, इनके साथ पास सब दुष्ट इन्हीं के पास बैठे हुए हैं और जी जी इन्होंने बहुत सारे जो है बाहुबलियों को, गुंडों को, अपराधियों को अपना जो है दरबारी बना के रखा है, जो इन दुष्ट जी राजनेताओं के बिहाफ पर आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन पे दबाव बनाने के लिए पुलिस से सांठगांठ कर इनके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम कराते हैं। जी जी ऐसे जी ढेर सारे उदाहरण मुझे पक्का विश्वास है कि आपके व्यक्तिगत जानकारी में भी होंगे। नहीं, अब सुनते तो रहते हैं ना साहब, और पिछले 2-2.5 सालों में सब विद्वानों को मैंने सुना है, बहुत से विद्वान सभी यही बता रहे हैं कि जनता समझती नहीं है कि ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। नहीं, लेकिन समझ के क्या करेगी वो? अब समझ के ये है साहब कि इन लोगों पे, आप जैसे लोगों पे, लोगों को भरोसा करना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक जो इंसान है वो किसी पार्टी की अंधभक्ति में ना रहे, दूसरे पक्ष को भी सुनने की कोशिश करें।
नहीं, इसको हम एकदम अलग तरीके से कहेंगे। देखो, जी ये पहली बात तो जो बात मैं कई बार दोहराता हूँ, वो एक तो बात ये दोहराता हूँ कि हम आज तक आज़ाद हुए ही नहीं हैं। जी हाँ, वो भी मैंने सुना है, वो भी सुना है मैंने। जी हाँ, और मैं इस बात को कई बार दोहराता हूँ कि अंग्रेजों जी ने यहाँ के नियम भारतीयों की सेवा के लिए नहीं बनाए थे, भारतीयों के विकास के लिए नहीं बनाए थे, हाँ, मैंने सुन रखा है ये। जी बल्कि उन्होंने भारत को लूटने के लिए बनाए थे, राइट? जी जी भारतीयों को गुलाम बनाकर उन्हें अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। इन दुष्ट राजनेताओं ने वो सब नियम आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले थोप दिए हैं, तो कानून की दृष्टि से इन राजनेताओं ने आपको आज भी गुलाम बना के रखा है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी भी आती है, अंग्रेजों के समय में जो जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, जितना जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, तब भी इन्होंने न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई और फांसी पे चढ़ा दिया, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इन दुष्ट राजनेताओं ने क्या वही प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर नहीं थोपती है? जी हाँ, सही बात है सर, सही बात है। जो प्रशासनिक व्यवस्था आपके ऊपर थोपी है, उसे संविधान की चार चार जो है आर्टिकल्स में, अनुच्छेदों में, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आर्टिकल 109, 110, 111, 112, ऐसे चार आर्टिकल्स हैं जिनके तहत संविधान ने इस प्रशासनिक व्यवस्था को प्रोटेक्शन किया है, संरक्षित किया है। और सीआरपीसी की एक धारा है 197, जिसके तहत इन बादशाहों को न्याय से भी ऊपर कर दिया है। तो कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस अनलेस गवर्नमेंट गिव्स द परमिशन अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीएफ। मतलब इनके सामने न्यायालय, न्यायाधीश, न्याय व्यवस्था भी बौनी कर दी गई है। और इन वैसे तो इन बादशाहों के खिलाफ ऑफेंस ही रजिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन ढेर सारे ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद उनका विवेचना पूर्ण होकर वो लंबित हैं और शासन के पास अनुमति के लिए भेजे गए हैं। चूंकि यह बादशाह इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, तो हजारों संख्या में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के केस लंबित होने के बावजूद भी ये दुष्ट राजनेता इनके विरुद्ध अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो आपकी पूरी व्यवस्था इनके दुष्कृत्यों के, उनके आपराधिक कृत्यों के सामने बौनी साबित हो रही बिल्कुल सर, सही बात है। है कि नहीं है? जी तो जी अब जी हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो राजनेता हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने से जिन्होंने मेहनत की है, इनके लिए जुलूस निकाले, धरने किए, लाठियां खाई, अपने ऊपर मुकदमे भी लदवाए और कई तो मर भी गए, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं, उनके साथ द्रोह करते हैं, और उन्हें टिकट ना देके जो इनको ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं। और इनका प्रेफरेंस जो है वो बाहुबलियों को टिकट देने का है, अपराधियों को टिकट देने का है, माफियों को टिकट देने का है, दल बदलुओं को टिकट देने का है, और अपने आकाओं के, बड़े आकाओं के बच्चों को टिकट देने का है। और ये खुल्लम खुल्ला जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात भी करते हैं और बाह्यघात भी करते हैं। और ये दुष्ट लोग कई बार कहते हैं कि साहब, हमारा कैंडिडेट इसलिए हार गया क्योंकि अंताघात हो गई थी, राइट? भीतर घात हो गई थी। तो ये तो दुष्ट जो है भीतर घात कह के दोष जो है कार्यकर्ताओं पे मढ़ते हैं, जबकि ये दुष्ट स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात भी करते हैं और खुल्लम खुल्ला बाह्य घात करते हैं, और ये शुद्ध दुष्टता है। मानते हैं कि नहीं? अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये दुष्ट नेता हमारे वोट से तो चुने जाते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करने की बजाय ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। आपने
नूपुर शर्मा का केस जरूर सुना होगा, जो कि भाजपा की भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने जो इनके साहित्य हैं, इनका लिटरेचर है, उसके में जो ऑलरेडी साक्ष्य अवेलेबल हैं, जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसके आधार पर कोई बात कही जो कि पूर्णतया सत्य थी। फिर भी भाजपा ने ना केवल उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, बल्कि उन्हें प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया। तो ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के, अपने ही वर्कर्स को सही बात पर भी प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, बल्कि उनके ऊपर डिसिप्लिन की जो है ना आरी चला देते हैं। ऐसे हैं हमारे ये दुष्ट राजनेता, है कि नहीं है? हाँ सही बात है, वो तो अपना स्वार्थ देखते हैं साहब, तो अपना स्वार्थ देखते हैं ये कि अपना हमारा फायदा स्वार्थ देख किससे रहे है। हैं, देश देख नहीं रहे हैं, हमें देख नहीं रहे हैं। तो और जी। अपराधी ये ऊपर से हैं। आपको ये मालूम है क्या कि जो हमारी पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के में जो है 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट दिया है, उसके अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड है। और ट्वेंटी जी। नाइन परसेंट के विरुद्ध तो बहुत ही गंभीर अपराध हैं, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो इन दुष्ट राजनेताओं को 137 करोड़ के देश में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं? ये बाहुबलियों, माफियों, अपराधियों को ही टिकट क्यों देते हैं? वही उनको तो अपना ये है ना कि वो तो ये देखते हैं कि मतलब कौन सा प्रत्याशी हमको जीत दिलाएगा, फिर वो कैसा भी हो कैसा बिल्कुल भी हो, बस ये देखते हैं कि जीत कौन सकता है, ठीक बात है। चाहे तो वो इसका बाहुबली मतलब, हो इसका या मतलब है ये हमें मेरिटोरियस लोगों को नहीं देंगे, ये जो है ना बाहुबलियों और अपराधियों को, जो हमारे ऊपर जो है ना जबरदस्ती करते हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, हमें दबाते हैं, पुलिस से सांठगांठ करके हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम कराते हैं, और कभी कभी जी। तो झूठी गवाही करा के जेल भी भेज देते हैं। ऐसे हाँ दुष्ट हाँ हाँ लोग जो बिल्कुल। है, ये दुष्ट राजनेता हमारे ऊपर मर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ ये दुष्ट राजनेता हैं, और अब इनके पाप का भड़ा घड़ा भर गया है और इन्हें पराजित ही करना होगा? सही है, आपका कहना तो सर सही है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो क्राइम फ्री भारत ने मॉडल बनाया है, जिसको हम क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल कहते हैं, इसको आपने कितना समझ लिया है? अब ज्यादा तो मुझे सर कुछ समझ में नहीं आया है, पर थोड़ा थोड़ा बस ऊपर ऊपर ये जरूर समझ में आता है कि भाई आपका प्रयास एक अच्छी दिशा की ओर चल रहा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये इतना पावरफुल मॉडल है कि हमारे थोड़े प्रयास से हम सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बहुत आसानी से बिना खर्च के पराजित कर सकते हैं, बिना खर्च के। और जो पराजित करने वाले लोग हैं वो चंद्रगुप्त होंगे, और वो चंद्रगुप्त कौन है? जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आपने ये बात देखी होगी कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, और एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर दिया जाता है, राइट? यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ देते हैं तो आपको टाउन ऑफिसर घोषित किया जाता है, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आपको ब्लॉक ऑफिसर घोषित किया जाता है, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो आपको जिला अधिकारी घोषित किया जाता है, यदि आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य स्पेशल, स्टेट स्पेशल ऑफिसर घोषित किया जाता है, और यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर घोषित किया जाता है। और ये सब अपने आप होता है, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ये बात जी आपने महसूस की है कि नहीं की है? हाँ, वो आपके विचारों से प्रकट होता है ना सर, आपके जो अभी विचार आपकी, आते हैं आपके वो प्रतिष्ठा पॉइंट कितने हैं? कुछ मुझे अभी याद तो नहीं है, 4 फिगर में है कुछ। अच्छा, 1 मिनट मैं आपका देख के बताता हूँ कि आपके प्रतिष्ठा हाँ पॉइंट कितने हैं। 1 मिनट, आई हाँ विल जस्ट टेल यू। 1 मिनट, क्यों नहीं दिख रहा है?
हालांकि वो मोबाइल में मैं देख लेता हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, अभी आपको देख के बताते हैं, अभी आपको देख के बताते हैं, अभी आपको देख के बताते हैं। तो रघुवीर सरन जी, आपके इस समय 3377 जो है पॉइंट्स हैं, प्रतिष्ठा पॉइंट 3377, और आप ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर हैं। आपको 8 लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, और एक को आप फॉलो कर रहे हैं, शायद वो मैं हूँगा जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। और एक मिनट देखता हूँ कौन है वो, मैं ही होना चाहिए, हाँ मुझे ही फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। और 3377 जो है आपके पॉइंट हैं, और आप मात्र 1000, सॉरी हाँ 1633 जो है पॉइंट पीछे हैं, तो आप स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे, आप स्टेट स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे जैसे ही आप 5000 प्रतिष्ठा पॉइंट को क्रॉस करेंगे। तो रघुवीर जी, आप मुझे बताइए कि क्या आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा क्या, किस चीज के लिए सर? मतलब ये डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर आप अपने आप बन गए या किसी को आपने आवेदन लगाना पड़ा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं बस फॉरवर्ड करते रहता हूँ, उसी आधार पे आपकी जो प्रक्रिया है तो अपने आप ही हुआ है सर, मैंने करेक्ट कुछ नहीं कहा करेक्ट किसी से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब आप जो है 100 लोगों को जोड़ लेंगे और आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, तो आपकी ये चंद्रगुप्त की यात्रा शुरू हुई है। और जो ढेर सारे पद बांटे जा रहे हैं, ये इस बात को विश्वास दिलाने के लिए बांटे जा रहे हैं कि हर चीज ऑटोमेटिक होगी, राइट। तो रघुवीर सरन जी, मैं एक चीज और बता दूं, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को ऑलरेडी जन्म दे दिया है, और वो उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो इलेक्शन कमीशन और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो कोडल फॉर्मेलिटी है उसे कंप्लीट करे वो, राइट। इसका नाम जो है 2024 तक हमने गोपनीय रखने का निर्णय लिया है, और इस पॉलिटिकल पार्टी का और कोई काम नहीं होगा। जो अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले चंद्रगुप्त होंगे, उनके पास ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़कर जाएगी और कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपको सांसद का टिकट दे। तो इस प्रकार अधिकतम पॉइंट वाले, अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले लोगों को ही चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और इन चंद्रगुप्तों को किसी के पास नहीं जाना होगा, और वो जो है उनको अपने आप टिकट मिल जाएगा। इसमें आपको कोई संशय है क्या? नहीं, जब आप जैसे विद्वान लोगों की ये कल्पना है तो बिल्कुल इसमें संशय नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने जो सोचा है वो होना चाहिए। नहीं, उसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी, उसको दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और वो जो है इनकी कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर रही है। उसको और कोई काम करना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई आम सभा आयोजित नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, उसका सिर्फ एक ही काम है टिकट बांटना। और टिकट बांटना इसलिए जरूरी है कि जब टिकट बांटेंगे तभी जीतेंगे इनसे, और जीतने के बाद जो है इनको हमें पराजित करना है, तो ये पराजित करने का काम भी बिना खर्च के है। तो क्या आपको समझ में आया है कि बिना खर्च के आप कैसे इन्हें पराजित करेंगे? हाँ, मैंने आपके विचारों में सुना है, आपने ये विचारों में अपने बताया है कि ये मतलब ऐसी योजना है कि बिना खर्च के भी काम हो सकता है। तो आप मुझे जरा समझाइए कि ये बिना खर्च के कैसे आप जीतेंगे, यदि आपको समझ में आया है तो। अब ये आपने जो प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है ना कि अपने आप ही जो जितना योगदान दे रहा है वो सब आपके रिकॉर्ड में हो रहा है, तो उसी से आप इस तरह का अंदाजा लगा लेंगे कि भाई किसकी रुचि है और किसकी नहीं नहीं है। नहीं नहीं ये हमें अंदाजा नहीं लगाना है, जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उस क्षेत्र में उसे सिस्टम ऑटोमेटिकली चंद्रगुप्त घोषित करेगा, और हाँ फिर हाँ जो वो हमारी कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी है वो हाथ जोड़कर उसके पास पहुंचेगी और उसे कहेगी कि मुझे ये निर्देश मिला है कि वो आपको टिकट दे, राइट। तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं बांटना है,
टिकट आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? आपकी योजना अच्छी है सर। नहीं, तो आपको जो है ना टिकट पाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है या कोई पैसा खर्च हाँ करने की जरूरत है क्या? जी, नहीं, यदि ये योजना इस तरह की होती है तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई इच्छा क्यों करेगा, अपने आप ही वो आदमी देखा जाएगा, वो चुना जाएगा। हाँ, इसीलिए जो है ना इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजारा जा रहा है कि तब तक उसे इस बात का विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है और वो किसी के हाथ में नहीं है, वो उस खुद के व्यक्ति के हाथ में है कि वो कितने लोगों को जोड़ रहा है, राइट? हाँ, सही सही और बात है, उसे सही एक बात पूरा है। सिस्टम दिया गया है, एक पूरी क्राइम फ्री अपराध की जो है, क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग अब 2000 वीडियो होने को जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो में समझाया गया है कि कैसे हम 21 उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे और इस देश को अंग्रेजों के नियम कानून से जो है ना मुक्त करेंगे। अंग्रेजों की जो बादशाही और निरंकुश व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बना के यदि वो कुछ जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे क्षतिपूर्ति भी करना होगी। जी तो ऐसा ये दूसरी व्यवस्था है। तीसरा है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये जो हमारे ऊपर थोपा हुआ है, इसमें मॉडर्न साइंस और वैदिक ज्ञान को इंटीग्रेट करते हुए इंडियन गुरुकुल सिस्टम एक्ट लाया जाएगा जिससे कि भारत आगे चल के विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। जी आपने सुना होगा शायद कि कैसे जो है ये देश अपराध मुक्त होगा। इसमें 5 स्ट्रेटेजी हैं जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी और यदि कोई गलत FIR दर्ज करेगा तो वो भी जेल में सड़ने की उसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि हम भारतीयों के DNA खराब हो गए हैं। हम कोई भी चीज़ मिलती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। आज भी जो बिल्कुल सर, है सही हम बात। में से बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे कायम करा के और पैसा वसूलते हैं, ये सब लोग जो है जेल में सड़ेंगे। तो पहली व्यवस्था उसकी है कि बिना जो है थाने जाए, और ये केवल जो है पढ़े लिखे जिनके पास मोबाइल हैं या जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप हैं उनके लिए नहीं है। इसके जी, लिए एक ऐप बनाया गया है और वो ऐप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के वॉलंटियर्स के पास होगा और उनको खबर पहुंचेगी कि साहब इसके साथ एक संज्ञेय अपराध हुआ है, और वो जाके मौके पर FIR दर्ज कराएगा उसकी उस ऐप के माध्यम से, और वो पूरी डिजिटल प्रोसेस होगी, ऑडियो वीडियो बेस्ड प्रोसेस होगी, जिसमें यदि लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी तो वो भी आएगा, जिसमें वकील भी वॉलंटियर आएगा, और इन सब लोगों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो जो फरियादी है उसे रिपोर्ट करने का पैसा मिलेगा, जो साक्षी हैं उन्हें पैसा मिलेगा, जो लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है उसको पैसा मिलेगा, जो फॉरेंसिक का काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो वकील उसमें इंटीग्रेटेड होगा उसको पैसा मिलेगा, और एक जज को भी पैसा दिया जाएगा, सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। सबको जो है मिनिमम वेतन के बाद पूरा फुल वेतन नहीं मिलेगा, बाकी वो जितना काम करेगा उतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और उसका सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जो रहेगा वो आज के वेतन से बहुत अधिक होगा, डबल भी हो सकता है, राइट? और फिर जो ये जी, रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जा रही है इसके टोटल जोड़ में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके ये अपराधी से वसूल किया जाएगा, ऐसा नियम कानून में बदलाव किया जाएगा। तो अपराधी को सजा के साथ साथ 500, 1000, 10 हजार का फाइन नहीं लगेगा। यदि जो है सम टोटल 5 करोड़ यदि खर्च हुए हैं उसको न्याय देने में, तो 10 करोड़ जो है ना उस अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो आगे चल के अपराधी इस दंड के भय से यदि उसने अपराध किया है तो उसे मालूम है कि ये इतनी डिजिटल व्यवस्था है अकाट साक्ष्यों वाली कि उसका बच पाना तो मुश्किल है। तो फिर जो है क्यों जो है इस प्रक्रिया के तहत गुजरा जाए, वो अपने अपराध को एडमिट करेगा और अपना जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसी पावरफुल व्यवस्था है। और इसकी दूसरी व्यवस्था है जिसमें क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन पुलिस की मदद करेगा और ऐसे अकाट्य साक्ष्य इकट्ठे अपने आप हो जाएंगे जो आज पुलिस की सोच के बाहर हैं। तो अधिकतम 15 दिन में पुलिस का चालान पेश हो जाएगा।
आज जैसा घटिया व्यवस्था नहीं होगी कि आप कहते हैं तो भी जो है ना वो साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए जाते हैं और अपराधी जो है साक्ष्यों को प्रभावित करते हैं, अपराधी जो है ना सब चीज प्रभावित करते हैं, वो आगे चल के नहीं होगा। और जैसे ही आपकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो रही है, ऐसे ही आगे चल के बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल होगा, जिसमें आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। सब लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड व्यवस्था से जुड़ेंगे और वो आज की जो कोर्ट ट्रायल है इससे 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होगा, और इसमें 3 दिन से लेके 30 दिन के अंदर सजा दे दी जाएगी। इसमें जैसे कि 137 करोड़ भारतीय कानूनी रूप से पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे ही 137 करोड़ पब्लिक वाले भी आवश्यकता अनुसार उन्हें जज की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है और उस जिम्मेवारी के लिए उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो जज की जो है ना ये ठेका नहीं रहेगा जैसे आज के जजों का ठेका है, राइट राइट। और अधिकतम 30 दिन में जो है ना सजा मिल जाएगी। इसमें जो अपील का व्यवस्था किया गया है वो बड़ी चमत्कारी है। इसमें दो तरीके की अपील का प्रावधान रखा गया है, एक है अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी है अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो आपका जो कॉन्टेंशन रहेगा कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्य होते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, मतलब ये जज जो है इसने जज की जो भूमिका है वो ठीक ढंग से नहीं निभाई है, और फिर जो है उस जज को खुद खड़े होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसे महायोगित करके उसे जो है जज के उससे पद से हटा दिया जाएगा और उसे जो है जो उसने गलत निर्णय दिया है उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। ऐसे ही चौथी व्यवस्था के तहत डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सितंबर 2020 में ऑलरेडी भेजा जा चुका है। ये इस डिजिटल चित्रगुप्त के तहत हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी डिजिटल चित्रगुप्त के पास होगी, लिहाजा जब अपराधी अपराध करने निकल रहा होगा सिस्टम ये एंटिसिपेट कर पाएगा कि ये अपराधी अब अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, और 4 और 5 साल में इतना डाटा हो जाएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो डीप लर्निंग है उसके आधार पर हम जो है अपराधी को अपराध घटित करने के पहले पकड़ पाएंगे, उसे सजा दे पाएंगे। और फिर जो है पांचवी सर्टेनिटी है कि जब भाई आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों रहने दिया जाए, तो सिस्टम जो है अपराधी के पास पहुंचेगा। जैसे अभी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पहुंच रहा है कि आप चंद्रगुप्त हैं, टिकट आपका है, ऐसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है सिस्टम पहुंचेगा उस अपराधी के पास कि देखो अपराधी महोदय अब आप अपराध करने का विकल्प आपके पास रह नहीं गया है, लिहाजा आपके हित में है कि आप रिहैबिलिटेट होकर एक सज्जन पुरुष बन जाएं, राइट। और इस प्रकार जो है सर्टेनिटी के साथ सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार होगा क्राइम फ्री भारत का जमीन पे उतरेगा। आपका क्या कहना है इस पूरी योजना के बारे में? नहीं, योजना तो बहुत अच्छी लग रही है सर, और आपका प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। ये अच्छा, तो बिल्कुल सर व्यवस्था ही है। अब जो है आगे चल के देखो जितनी भी बात गड़बड़ी की जड़ है ये पेपर करेंसी है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ना केवल साइबर क्राइम फ्री बड़ी आसानी से कर देगा 3 से 6 महीने में, वो चूंकि टेक्निकल विषय है इसलिए उस पर आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी। तो देयर विल बी नो पेपर करेंसी, राइट। और जब पेपर करेंसी नहीं होगी तो ना हवाला होगा ना कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा, क्योंकि बड़ी आसानी से अपराधों के साक्ष्य रहेंगे, भ्रष्टाचार के साक्ष्य रहेंगे, और सिस्टम खुद जो है अपराधी के विरुद्ध जो है रिपोर्ट कर देगा बिना थाने जाए, और 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ और अधिकतम 30 दिनों में उसको सजा हो जाएगी। तो
तो किसी भ्रष्टाचारी की औकात है कि वो भ्रष्टाचार करे? नहीं, उसकी औकात होगी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, फिर क्यों करेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। करेक्ट। तो ऐसा इकोसिस्टम पैदा कर दिया जाएगा कि अपराध करना एक ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम तो यहां तक कह रहे हैं कि 5-6 साल की अवधि में ही 2030 तक भारतवर्ष में गरीब बने रहने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि गरीब के पास सिस्टम पहुंचेगा और उसे कहेगा कि हम इस तरीके से तुमको अमीर बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। तो भारत में गरीब बने रहने का विकल्प नहीं होगा। यदि आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पहले पैरा में ही उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैंने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया और पूरे भारतवर्ष में मुझे कोई गरीब या भिखारी दिखाई नहीं दिया। तो 1835 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 200 साल भी नहीं हुए हैं। अभी 200 साल नहीं हुए ना, तो हम क्यों जो है दोबारा वो व्यवस्था नहीं ला सकते हैं? हाँ, और क्या, जब 200 साल कोई पुराना समय नहीं है, जब 200 साल पहले ये स्थिति थी, तो अब इतनी क्यों बिगड़ गई है? तो ये इसके लिए सब राजनेता जिम्मेवार हैं। पहले राजनेता के जो है ना, पहले अंग्रेज जिम्मेवार थे, अब जो है अंग्रेजों से पावर इन दुष्ट राजनेताओं को हुआ, अब राजनेता जिम्मेवार हैं। नहीं, इस बात को आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ आजकल 2-2.5 साल से। मैं यही सुन रहा हूँ कि ये मतलब नेता लोग किसी भी पार्टी के हों, ये मतलब पूरे विश्वसनीय मत समझो इनको, जो आपके हित के लिए काम करेंगे। बहुत से काम ये जनता के अहित के लिए कर देते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गलत व्यक्तियों को टिकट बांट रहे हैं और फिर छद्म तरीके से जीत रहे हैं। ये जीतने के लिए जात पात में भेदभाव डालते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, दंगे कराते हैं, आपके अंदर डर पैदा करते हैं और आपको डरा के और अपने आप को सेवियर सिद्ध करके ये आपके वोट को लेते हैं। ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और पैसे बांटते हैं। तो ये कोई बहुत बड़े डेमोक्रेटिक व्यक्ति नहीं है, ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। ना इनकी शिक्षा है, ना इनकी सोच है, और अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। तो अब इन्हें हारने का समय आ गया है। मेरी भविष्यवाणी है कि 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। आप कहेंगे कैसे पराजित होंगे? आपको समझ में आया हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। नहीं, अब आपका इतना अच्छा प्रयास चल रहा है, तो आप विद्वान हैं, कुछ आपने सोच रखा होगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो आपने जो हमारे वीडियो देखे हैं उनमें हमने कई बार समझाया है, तो क्या वो बात आपको समझ में आई है क्या? नहीं, आ रही है, जभी तो आपसे भी श्रद्धा हुई है ना, इसीलिए तो आपसे श्रद्धा हुई है कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह की निष्पक्ष बात करें। ठीक बात है। तो मैं आपको समझाता हूं कि इसमें चंद्रगुप्त को बनाने की प्रक्रिया पैदा की गई है, और चंद्रगुप्त वो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ठीक है ना? तो इसमें जो है जोड़ने के लिए पहले ऊर्जाकृत करना है, और जो हमने अभी आपसे बातचीत की है यही ऊर्जाकृत करना है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आपने जो हाँ मुझसे जी, आ रही बातचीत है की ना। है, इससे क्या आप ऊर्जाकृत अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्या? नया ऊर्जाकृत इसीलिए महसूस कर रहे हैं कि ऐसा लग तो रहा है कि मतलब कुछ मतलब इंसान ऐसे भी हैं, अभी सभी लोग खराब नहीं है, तो इसीलिए ये एक ऊर्जा सी मिलती है कि नहीं भाई, अभी मतलब जनता को एक सहारा है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग कमीने या हराम खोर हों, कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो मतलब अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमें जो लोगों को ऊर्जाकृत करना है, फिर संकल्पित करना है, तो इसमें 5 तरीके के संकल्प हैं। पहला है 9 दिन का संकल्प, जिसमें प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है। दूसरा संकल्प जो है वो 5 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, फिर संकल्प 18 दिन चलेगा। फिर तीसरा संकल्प है कि हर दिन 3 लोगों को जोड़ो, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। हर दिन 2 लोगों को जोड़ो, फिर संकल्प 45 दिन चलेगा। और हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ो, फिर ये संकल्प जो है 90 दिन चलेगा।
आप पांचों संकल्पों में देखेंगे कि यदि आप उसको टोटल संख्या देखेंगे तो हर केस में 90 की टोटल संख्या है, राइट। अब आप ये देखिए कि हम इसे कितनी आसानी से प्राप्त करेंगे। हम ये मान लें कि ये प्रयास मैंने आज ही चालू किया, ठीक है ना, और आप जैसे 9 लोगों से बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, उन्हें संकल्पित किया, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और ये 10 लोग अपने ही परिवार के सदस्यों को, अपने जो है ना मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ जोड़ के, तो ये 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1,000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन हम 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। अब 100 करोड़ की बात सुनते ही दिमाग घूम जाता है कि साहब ये क्या इतना आसान होगा, है कि नहीं है, ये लगता है कि नहीं लगता है कि साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे होगा 100 करोड़ लोग, कितने आसानी से कैसे होंगे, आदमी तो आज पांच बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो ये कैसे संभव होगा, है। हाँ यही तो है ना, सही बात तो है। मैं आपको बताता हूं ये कितना कितना आसान है। देखिए, 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तब हम 100 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। तो 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 9वें दिन जो है 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 10 करोड़ पहले के होंगे, तो कुल मिला के 100 करोड़ हो जाएंगे। तो चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, स्वयं जुड़ने मात्र से 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या स्वयं को जोड़ना बहुत कठिन है? कोई कठिन नहीं है सर। करेक्ट। अब हम 8वें दिन और 9वें दिन की संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, तो 8वें और 9वें दिन को मिला के 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और उन्हें जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को जोड़ना है, राइट। इसका मतलब है कि यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ लेता है और या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, इतने मात्र से 99 करोड़ व्यक्तियों का संकल्प पूरा हो जाएगा 100 करोड़ बनने का। तो क्या पति को अपनी पत्नी को जोड़ना या पत्नी को अपने पति को जोड़ना बहुत कठिन काम है? हाँ और क्या, वैसे परिवार को तो सबसे पहले जोड़ सकते हैं ना, नहीं, अभी हालांकि तो ये भी हम ये सही बोल बात रहे हैं है। कि सिर्फ एक व्यक्ति मात्र को जोड़ के हम 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा कर सकते हैं, क्या ये कठिन है? कठिन तो नहीं है सर, लेकिन ये ये चक्कर ये है ना कि लोग तैयार नहीं होते ना, असल नहीं में नहीं लोग पूरी। तैयार नहीं होना है, पहले खुद जुड़ गए फिर अपनी पत्नी को जोड़ लिया। लोग बाग अभी जो है जूते खा रहे हैं, लातें खा रहे हैं, झूठे मुकदमे कायम हो रहा है, तंग किया जा रहा है, बाहुबली तंग हो रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, सब सब तरीके से मारा जा रहा है, और हर जो है गलत चीज से इन दो राजनेताओं ने सांठगांठ कर ली है। 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ दूध कंज्यूम हो रहा है, तो लोग बाग नकली दूध जो है टैंकरों में बना के बेच रहे हैं, ये दुष्ट व्यवस्था देख रही है क्या? तो ये दुष्ट व्यवस्था आपको क्या क्यों लोग नहीं जुड़ेंगे? यदि हम उनको 1-to-1 जो हमारे पहचान के हैं और हम उन्हें विस्तार से समझाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि लोग बाग नहीं जुड़ेंगे। हाँ जोड़ना है तो खैर कठिन काम, नहीं, लेकिन ये है जोड़ना कि बहुत सरल हाँ काम है। आपको अपने खुद को जोड़ना है, अपने परिवार, अपनी पत्नी को या पति को जोड़ना है और अपने बच्चों को जोड़ना है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना है। तो जब आप समझ के समझाएंगे या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैथिली शरण गुप्त समझाएंगे या मैथिली शरण गुप्त के 2,000 वीडियो जो हैं वो समझाएंगे, तो क्या इतना कठिन होगा? परिवार परिवार वाले भी कई सर ऐसे होते हैं कि परिवार वालों को तक वो उनको इंटरेस्ट नहीं दिखता कुछ भी, यदि उनको कुछ देखिए, बातें बताओ। आप इससे बिल्कुल मत घबराइए, राइट। आप तो अपनी पत्नी को जोड़ लिया, पति को जोड़ लिया, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो गया, राइट। इतना आसान है। और दूसरी बात है कि इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है पत्थर की, राइट। तो पत्थर दो तरीके के हैं, एक तो वो हैं जो ना समझ हैं, या कह सकते हैं कि वो इतने पीड़ित हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। देखो, एक हाथी के बच्चे को एक पतली रस्सी से बांधा जाता है और जब वो बलशाली भीमकाय हाथी बन जाता है तब भी उस पतली रस्सी को नहीं तोड़ पाता है भीमकाय। वो चाहे तो उस जैसे जो है ना सैकड़ों रस्सियों को तोड़ सकता है, वो तो बड़े बड़े जो है ना भीमकाय पेड़ों को भी गिरा सकता है, फिर भी वो पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पाता है।
क्योंकि वो उसकी आदत पड़ जाती है, वो उसे जो है कंडीशनिंग हो जाती है, राइट। तो आज हम सही सब है। लोगों की, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही कंडीशनिंग कर दी है, हमें बार बार ये चीज समझा के उस कंडीशनिंग को खत्म करना है, राइट। तो हाथी में तो बल है तोड़ने का, उसकी कंडीशनिंग खराब हो गई है तो कंडीशनिंग को बदल देंगे। अब हो गया है, जिनको नहीं मालूम है उनको बार बार कह के समझा के उनके को ठीक कर दिया जाएगा, राइट। अब कुछ लोग जो है बहुत विद्वान हैं, खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, अपने लाभ के लिए जीने वाले हैं, हर चीज में अपना लाभ देख रहे हैं। इन स्वार्थी खुदगर्ज लोगों को पत्थर मार के समझाने की बजाय लात मारना है और उन्हें पत्थर घोषित करना है। तो आपका काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जो आपकी बात नहीं सुन रहा है वो पत्थर है। हाँ ठीक है, अब जो नहीं समझ रहा तो उससे बार बार कहने से क्या फायदा है। नहीं, दो चीजें हैं। यदि आपकी सोच ये है कि ये समझ नहीं रहा है इसलिए नहीं सुन रहा है, तो उसे बार बार समझाना है, राइट। लेकिन यदि आपकी पकड़ ये है कि ये बहुत विद्वान आदमी है, ये सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ये अपने भले के लिए जीने और रहने वाला व्यक्ति है, ये तो इतना दुष्ट है कि इस इतिहास बदल गया, अपने आप को विद्वान कहता है, इसने किसी को नहीं बताया कि इन दुष्ट लोगों ने हिस्ट्री की किताबों में जो इतिहास लिखा हुआ है वो फर्जी है। इन इन दुष्ट विद्वानों ने तो ये भी नहीं बताया है कि प्रेसिडेंट के पास संविधान की शक्ति ना होने के बावजूद भी आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से असंवैधानिक रूप से जारी कर दिया गया है। तो ये विद्वान खुदगर्ज हैं, ये अपने लाभ के लिए जीते हैं और इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। यदि वो ऐसे पत्थर हैं तो उन्हें फिर कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी नहीं है, वो बहुत ज्ञानी हैं। तो उनको ये कह के अपनी एनर्जी को बचाना है कि ये आप तो बहुत विद्वान हैं, जो आपका विवेक कहे वो करिए, राइट। अब जो है, जो हमने आपको बताया कि 90 करोड़ लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लें, तो मुझे लगता है कि अपने आप को जोड़ना बहुत कठिन काम नहीं है। दूसरों को कन्विंस करना तो कठिन हो सकता है, राइट। ऐसे ही कम से कम एक व्यक्ति को जोड़ना बहुत कठिन काम नहीं है। कोई एक ऐसा मित्र होगा, कोई पत्नी होगी, कुछ ना कोई तो होगा जिसको एक को जोड़ के 99 करोड़ लोगों का खाता पूरा हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से कठिन नहीं है। जब आपने 37 करोड़ पत्थरों का प्रावधान करके रखा है, जिन्हें पत्थर मान के लात मारना है, और कबीर बाबा ने जो है ना इसके लिए व्यवस्था दे के कही है कि जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो ये विद्वान पत्थर जो है ना उस लालमा से भौचक्के हो जाएंगे। और उसके लिए कबीरदास जी ने ये बात कही है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी राजनेताओं के चरण सेवक पत्थर भी जो है ये लालिमा से बच नहीं पाएंगे जब उनको लगेगा कि पूरा देश ही लालिमा से मुक्त युक्त हो गया है। बात तो ये 37 करोड़ लोग जो है, जिनको अपन ने विद्वान और पत्थरों का एक दो की व्यवस्था नहीं की है, 37 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। 33% ऑफ द एवरीबडी, हर दो में से एक व्यक्ति को जो ना अपन ने पत्थर माना है, राइट। तो ये भी जो है ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तो ये बहुत सरल काम है। अब वो जो तो सर अब ऐसा होता है कि जिसकी संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो जो लोग पहले नहीं मानते थे वो फिर वो झुक जाते हैं, फिर वो भी मानने लगते हैं। करेक्ट नहीं, ये जो व्यवस्था जो है ना, कबीरदास जी बड़े सिंपल से दोहा में कह के गए हैं ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जो भी आसपास आएगा वो अपने आप लाल हो जाएगा, वो उसके वो जो है खुदगर्ज पत्थर भी लाल हो जाएंगे। तो अब ये बताइए कि जो चंद्रगुप्त बन रहा है, जिसके हाईएस्ट पॉइंट हैं, और जैसा हमने बताया है कि 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद जुड़ के ही, बिना किसी को जोड़ के भी अपना जो है ना 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है, और 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ के पूरा हो रहा है। तो पति यदि पत्नी को, पत्नी अपने पति को, मित्र को, किसी को एक को भी जोड़ देता है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो ये बहुत आसान है। जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होके, यदि उनके पास छत नहीं है तो वो दरवाजे पे खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके, थाली बजाकर, दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के लिए संकल्प लेंगे, तो ये क्षुद्र चरित्र के राजनेता जीत पाएंगे उस संकल्प के सामने? नहीं फिर क्यों होगा, फिर तो वो जीत तो सच्चाई की होगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि इनकी पराजय तय होगी। आप ये बात मानते हैं कि नहीं?
बिल्कुल, वो तो जब वो भीड़ और का जमाना स्पेस होता है, और यदि स्पेस यदि अच्छे लोगों की जब भीड़ बढ़ जाती है तो फिर वो बुरे लोग फिर अपने आप झुक जाते हैं। केवल उतना ही नहीं, हम इनकी हर रणनीति को फेल करेंगे। तो जी जैसे जी इनकी आज रणनीति है दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, तो हम अपने गरीब सदस्यों को कहेंगे कि जब ये राजनेता दारू बांटने, साड़ी बांटने और पैसे बांटने आए तो 1 या 2 हज़ार मत लीजिए उनसे, कहिए 20 या 30 हज़ार दो तो विचार करेंगे, ठीक है ना। जी और जी वो साड़ी बांटने आए तो कोई एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 6 साड़ी दो। जब वो दारू की जी बॉटल बेचने आए तो कहें कि दारू नहीं, हमें तो पूरा एक क्रेट दीजिए। और ये इसलिए लेना है क्योंकि ये पैसा आपका है, ये पैसा इनसे छुड़ाना है। और ये लोग जो है, और वोट किसको देंगे, अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे। और इन्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन जीतते ही जो है एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा और इसे संज्ञेय अपराध बनाकर इन बाहुबलियों को, इन द्रोसी और देशद्रोही राजनेताओं को जेल में सड़ने की व्यवस्था कर देगा, राइट। तो इसलिए और डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लोग जो है इन दुष्ट राजनेताओं से जानबूझ के पैसे और वो ले रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करके इन हमारा ही पैसा है, हमें ये पैसा इनसे छुड़ा के इनको थोड़ा सा निर्धन करना है और फिर जेल में डाल के इनको जेल में सड़ाना है। तो बताओ ये परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आएगा। नहीं, यदि सब लोग प्रयास कर लें और रुचि दिखाने नहीं, लगे आप तो क्यों सब नहीं हो लोगों पे सकता क्यों सर? जाना चाहते हैं, आप अपनी बात करिए। अभी तक आपने 3,377 जो है ना पॉइंट हासिल कर लिए हैं, तो आप जिन्होंने आपको जिन्होंने जिनको आपने जोड़ा है आप उनसे बात करिए, यदि उन्होंने बाकी लोगों को नहीं जोड़ा है, राइट। और जी। इसमें एक शपथ पत्र जो है किया गया है, आपने वो शपथ पत्र जारी कर दिया है अपना, हाँ, शपथ पत्र मैंने देख लिया था, लेकिन लेकिन अभी उसे आप मैंने जारी उसको करिए और उसे पालन करिए। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसे बहुत गहराई से समझना है और पालन करना है। तो पहली बात तो उसमें ये है कि चूंकि पूरा मामला ऊर्जा का है, लिहाजा हमें अपनी ऊर्जा को बनाए रखने की ज़रूरत है। चारों तरफ जो दुष्ट व्यवस्था है उससे हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है, राइट। तो हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को क्राइम फ्री भारत में जाके सर्च करिए, क्राइम फ्री भारत, राइट, यूट्यूब चैनल पे जाके, और उसे सब्सक्राइब करिए। और शपथ का एक हिस्सा ये है कि कम से कम हमें एक वीडियो देख के उसके बारे में अपने विचार लिखना है, लाइक करना है। इससे आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे नहीं जाएगा, हर दिन उत्तरोत्तर बढ़ेगा, आपका डिटर्मिनेशन, आपका विश्वास बढ़ेगा। ये मकसद है क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का और संकल्प के साथ मिनिमम एक वीडियो देखने का, राइट। तो एक तो उसका हिस्सा ये है, और दूसरा उसका हिस्सा ये है कि सप्ताह के जो 7 दिन हैं, एक एक दिन जो है एक एक कार्रवाई के लिए उसे आवंटित किया गया है, नामांकित किया गया है। तो उस शपथ में हम कह रहे हैं कि सोमवार को हम अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे, राइट। तो सोमवार के दिन जो है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को जोड़ना है। और जब ये संख्या खत्म हो जाए तो जो 16 वायविदाएं हैं उनमें से जो वायविदा आपको ज़्यादा पसंद आ रही है वो सोमवार फिर उसके लिए नामांकित कर दीजिए, राइट। दूसरी जो है मंगलवार के लिए मित्रों के लिए है, तो मित्र और पड़ोसी वगैरह उसमें आएंगे, उनके साथ बैठिए, उनके साथ संगोष्ठी करिए, हमारे वीडियो सुनाइए उनको, और इसके बाद उनको जोड़िए। लेकिन उनको जोड़ते समय अपने ऐप अपने जो है ना आईडी से जोड़िए, जिससे कि उसके प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलें, क्योंकि तभी आप चंद्रगुप्त बन पाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप 3,377 पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके मित्रों की संख्या भी सीमित होगी, तो जैसे ही आपके सभी मित्रों जो पत्थर नहीं है उनको छोड़ के, जो पत्थर हैं उनको तो पत्थर मान के लात मार दीजिए, राइट। हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, यदि वो अज्ञानी है उसका, यदि इसलिए वो नहीं मान रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा वैसा, तो उसका ज्ञान बढ़ाना है, उसकी ऊर्जा बढ़ाना है। लेकिन यदि वो इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि वो शुद्ध दुष्ट है, वो जो है ज्ञान की कमी नहीं है, अपनी दुष्टता के कारण नहीं मान रहा है, तो उसे पत्थर मान के लात मार दीजिए, ठीक है ना।
तो जब आपके मित्रों की संख्या खत्म हो जाए तो जो 16 वाह विदाएं हैं उनमें से मंगलवार उसको आवंटित कर दीजिए, राइट। देन बुधवार के लिए रिश्तेदारों को जोड़ने का है तो रिश्तेदारों को जोड़िए, और ऐसे ही रिश्तेदार जो पत्थर हैं उनको लात मार दीजिए और जो पत्थर नहीं है उनको जोड़ लीजिए। और जो जब आपका सभी रिश्तेदारों का खाता खत्म हो जाए या पत्थर घोषित हो जाए, राइट, और पत्थर घोषित करने में बहुत संकोच मत करिए आप, राइट। जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, विद्वान है, खुदगर्ज है, अपने लिए जी रहा है, उसको पत्थर मानिए, लात मारिए, ठीक है ना। और ज्यादातर सर यही देखने में आप आता है, चिंता मत ज्यादातर करो, यही देखने में वो आता पत्थर बदल जाएंगे अपने आप। आपने खुद ही कहा है कि जब चारों तरफ की हवा देखेंगे तो वो बदल जाएंगे, तो आप बहुत है। हाँ, जल्दी ये हवा यही बनने होता वाली है, है, आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। यही होता है। हाँ, तो आप जो है बुधवार जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, फिर जो है जो गुरुवार है वो अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। तो जैसे आप रिटायर्ड टीचर हैं तो टीचिंग कम्युनिटी के लोगों को जोड़िए, जो भी आपको लग रहा है अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़िए। आप श्रीवास्तव हैं तो श्रीवास्तव कम्युनिटी के लोगों को जोड़ सकते हैं। आप समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए, जिससे भी जुड़े हुए हैं तो वो अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है। तो इस प्रकार आप गुरुवार तक पहुंच गए हैं। शुक्रवार को आपको युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार को आपको वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और रविवार को आपको समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। इस प्रकार आपके सातों दिन जो है एक एक घंटा जो है इस चीज़ के लिए डेडिकेट करिए। आप बहुत जल्दी जो है ना चंद्रगुप्त अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी दे दी गई है, राइट। अब आप ये देखिए, आज की व्यवस्था में हम अपने लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। जब हमें किसी से कोई स्वार्थ होता है तभी हम उससे बात करते हैं, लेकिन इस संकल्प के तहत आप लोगों से बात करेंगे तो जो आपका नेटवर्क है उसमें आपकी पैठ बढ़ेगी, आपकी मधुरता और सरसता बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, यदि लोगों की समझ में आता है तो नहीं, अच्छा लोगों को छोड़ लगता है। दीजिए, आप लोगों से बात कर रहे हैं इस और उनसे जुड़ाव आपका बढ़ रहा है, तो जो भी आपका नेटवर्क है उसमें आपकी पैठ बढ़ेगी, आपकी मधुरता बढ़ेगी, आपकी सरसता बढ़ेगी। ये तो हो गई ना, वो जुड़े चाहे ना जुड़े, हाँ, क्यों नहीं होगा। होगी। तो आपको आम के आम और गुठलियों के दाम हैं, और आप इतने कम समय में इतनी आसानी से कि 90 करोड़ लोग यदि खुद को जोड़ लें और किसी और को ना जोड़ें तो भी हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, और 99 करोड़ मात्र एक व्यक्ति को जोड़ लें तो भी संकल्प पूरा हो रहा है, तो ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमें ये विश्वास करना है कि 90 दिन का संकल्प तो चंद्रगुप्तों के लिए है और उसकी यात्रा प्रारंभ करने के लिए है। आम व्यक्ति तो खुद जुड़ जाए उतना ही पर्याप्त है, और अपने साथ एक व्यक्ति को जोड़ ले, तो पति अपने पत्नी को जोड़े या पत्नी पति को जोड़ ले तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। इतना आसान है ये। और ये जो 100 करोड़ लोग जब अपने चबूतरे पे, जिसके पास चबूतरा नहीं है, छत नहीं है, तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और अपने जो चंद्रगुप्त साबित हुआ है उसके फेवर में जब संकल्प लेंगे, और जो गरीब लोग हैं जिनको ये बरगला के पैसे देके खरीदते हैं उनसे, वो लोग जो है इनसे नेगोशिएट करके इनसे और ज़्यादा धन दबोच के और अपने चंद्रगुप्त को ही वोट देंगे, तो आसानी से हम सभी दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे? क्यों नहीं, संभव तो सब हो जाता है सर, असंभव भी संभव बन जाता है जब प्रयास किया जाता है तो। बिल्कुल सही। और फिर जो है हमें इस बात का आभास है कि राज्यसभा में इन दुष्टों की 4 साल तक और जो है ना वो रहेगी, लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन इन 4 वर्षों में ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो इकोसिस्टम पैदा कर देगा कि 3 महीने के बाद ही कि यहाँ अपराध होना संभव नहीं होगा, और जो हमारे 21 ऑब्जेक्टिव हैं उन 21 ऑब्जेक्टिव की पूर्ति होगी। आगे चल के गरीब को गरीब रहने का भी जो है ना विकल्प नहीं होगा। भारत का हर व्यक्ति जो है वो समृद्ध होगा, निरोगी होगा, दीर्घायु होगा, और वातावरण जो है अपराध मुक्त होगा, साइबर क्राइम मुक्त होगा। तो ऐसा होगा भारत जो कि विश्व गुरु बनेगा। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई है क्या? जी, आ रही है ना। तो अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप और ज़्यादा एनर्जी से भर जाइए और जल्दी ही पहले राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर, नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनिए, और इसके बाद चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ करिए। यदि आपने अपना प्रयास अच्छे ढंग से किया तो कल के सांसद, विधायक,
मंत्री और इवन मुख्यमंत्री आप हो सकते हैं, बशर्ते आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अपने क्षेत्र में हाईएस्ट हों। क्योंकि पहले जो है ना, टिकट बिना इसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी स्वयं हाथ जोड़कर आपके पास आके टिकट देगी। आपके जो है, जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य होंगे, वो बिना खर्च किए आपको जिताएंगे, और फिर जीतने वाले लोग जो है प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो थ्योरेटिकली जो प्रयास करेगा वो कल का मुख्यमंत्री होगा। तो मिस्टर रघुवीर शरण जी, आप भी कल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यह मान के प्रयास करिए। कर रहा हूँ सर। अब मैं तो प्रयास करता रहता हूँ, इसीलिए नहीं, अब मैं उसमें जो भी ज़्यादा एनर्जी आपके लगाइए, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा बहुत है ना। देश बदलेगा, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, ये दुष्ट राजनेता पराजित हो जाएंगे, आपके ऊपर जो है अंग्रेजों के नियम कानून हट जाएंगे। जो व्यवस्था आज है जो आपकी सुनवाई नहीं करती है, वो ना केवल सुनवाई करेगी और सही निर्णय भी लेगी। यदि वो सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे दंड तो मिलेगा ही, साथ में ही जो है उसे आपको क्षतिपूर्ति भी देना होगी, कंपनसेशन भी देना होगा। तो पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा इतनी आसानी से। आपके ना आपकी पूरी व्यवस्था में क्या 5 पैसे खर्च हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ क्या नहीं आपने हो कोई रहा, नियम कानून तोड़ा? कोई नियम नहीं तोड़ा। क्या आपने कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन किया? नहीं, कुछ तो नहीं, सभी कुछ नहीं। शासकीय अशासकीय लोग इससे जुड़ सकते हैं। और जब हमारा भाग्य बदल रहा है और हम खुद भाग बदलने वाले बन रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे तो आपको बिना मांगे टिकट सांसद और विधायक का मिलेगा। यदि आपके आपका जीतना तो सुनिश्चित ही है, आपको बिना मांगे बिना बताए आपके प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आप मंत्री भी बन जाएंगे और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो बताइए, आपको फायदा ही फायदा है कि नहीं है? क्यों नहीं है सर, फायदा तो होगा। बिना तो फिर पैसे खर्च किए यदि कोई चीज मिल जाती है तो ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। और हम अपने पूरे इकोसिस्टम को बदल सकेंगे और हम इन दुष्ट राजनेताओं को हरा सकेंगे, क्योंकि ये तो शुद्ध दुष्ट है ना। एक मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाता है। एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहता है, वो इतना दुष्ट है, 8वीं बार उसने जो है ना मुख्यमंत्री की शपथ ली है, वो अपने लाभ के लिए जो है एक नौमी फेल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये तो सभी राजनेता शुद्ध दुष्ट हैं जो अपने लिए जी रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है सर, आजकल यही स्थिति चल रही है। तो जब आपके पास जो है अब विकल्प आ गया है, तो अब जो है मत चूको चौहान हो जाए। प्रयास तो करते रहते हैं सर, और कर ही रहे हैं प्रयास। अब और एनर्जी बनाइए, इस तरीके से एनर्जी बनाइए कि आप चंद्रगुप्त बने। और चंद्रगुप्त वो है जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट सबसे हाईएस्ट होंगे क्षेत्र में, जिससे उसे बिना मांगे टिकट मिले, फिर वो बिना खर्च किए जीते, और फिर बाद में जो है उसी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर वो मंत्री और मुख्यमंत्री बने, वो भी बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। तो ये इतना बड़ा गेन है, इतना बड़ा इकोसिस्टम बदल रहा है। तो चूंकि गेन बहुत है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेहनत तो जरूरी है सर, हर काम के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। तो बस, और इसमें कितनी अच्छी मेहनत है कि अपने लोगों से ही बात करना है, उन्हें समझाना है, वीडियो सुनाना है, उनको इकट्ठा करना है, उनके साथ चाय पीना है, उनके साथ शपथ लेना है। तो ये अच्छा अच्छा काम है कि नहीं है? क्यों नहीं है, अच्छा तो है ही सर। तो मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ आप बढ़ जाइए, और यदि आपकी इजाज़त हो तो अब इस संवाद को यहाँ पे अपन विराम दें। चलिए, जय शुक्रिया हिंद, सर। जय भारत। और आपके माध्यम से मैं पूरे अशोकनगर वासियों को, गुना वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को और देशवासियों को अपना जो है नमस्कार कहता हूँ, और मैं उनका आह्वान करता हूँ कि अब वो क्षण दूर नहीं है जब विकल्प भी होंगे और बिना खर्च जो है आप इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे। क्योंकि ये दुष्ट राजनेता तो अपने ही कार्यकर्ताओं के विश्वासघाती हैं, ये इनके ऊपर चढ़कर जो है खुद राजनेता बन बैठे हैं और उन्हीं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं, उनके हक और उनके टिकट को मार रहे हैं, और उनकी जगह टिकट जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को दे रहे हैं, जो आम कार्यकर्ता के साथ एक विश्वासघात है। इन विश्वासघाती कम पढ़े लिखे उजड़ बेकार देशद्रोही राजनेताओं के अब पाप का घड़ा भर गया है।
यह संदेश मैं चाहूँगा कि आप जन जन तक पहुँचाएँ और हम इस देश को जो है अब एक नए भारत का जो है निर्माण की आगाज करें, यह बहुत ही आसान है। जी सर, तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः जो है भारत माता का जय का ना उद्घोष करते हुए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, धन्यवाद। Call recording has now